वेलकम टू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स, आर टूडेज टॉपिक इज क्रॉप्स ऑफ स्टेट एंड इंडिया। दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द JKSSB जॉब्स प्रिपरेशन। दिस इज आवर 49th वीडियो फॉर द JKSSB जॉब्स प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज द रबी क्रॉप्स शोन इन विच मंथ्स। ऑप्शन ए इज मार्च अप्रैल, बी इज जून जुलाई, सी इज अक्टूबर नवंबर एंड डी इज जनवरी फरवरी। फ्रेंड्स, हेयर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज अक्टूबर नवंबर। रबी क्रॉप्स आर शोन इन अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। हेयर ऑप्शन ए इज कॉटन, बी इज मैज, सी इज मस्टर्ड एंड डी इज अरहर। फ्रेंड्स, हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज मस्टर्ड। मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। हेयर ऑप्शन ए इज ग्राउंडनट, बी इज मेज, सी इज पैडी एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, हेयर ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ग्राउंडनट, मेज, पैडी, ऑल दीज क्रॉप्स आर खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्री लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। Once again the question is which one of the following sequence is correct the context of three largest wheat producing states in India. Here option A is Punjab, Uttar Pradesh and Haryana. B is Uttar Pradesh, Punjab and Haryana. Friends, here option B is the right answer, that is first mein aata hai Uttar Pradesh, uske baad mein Punjab aur then Haryana. Ye teen states jo hai top, theek hai, largest wheat producing states hain ye. So this is the right answer. Next question is the kharif crop shown in which months. A option A is March April, B is July October and C is here option B is the right answer, that is July October. The kharif crops shown in which months, here answer is option B, that is July October. Next question is which of the following is not a rabi crop. Here option A is carrot, B is radish, C is lady's finger and D is pea. Here friends, option C is the right answer, that is lady's finger. Lady's finger is not a rabi crop. Next question is consider the following. First statement is beet is shown in mid October, mid November and harvested in March. Second statement is beet is grown well in cool moist climate and ripens in a balm dry climate. Which of the above statements is oblique or correct about the climatic conditions for growing beet? Here option A is only 1, option B is only 2 and C is both 1 and 2. Here option C is the right answer, that is both 1 and 2, yani ki dono ke dono statements jo hain are correct. Next question is match the following. हेयर सेट वन में है लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। फ्रेंड्स, ये जो है कौन सी है, बिहार है। उसके बाद में कोकोआ प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये कौन सी है, केरला है। उसके बाद में लार्जेस्ट बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया हमने पहले पढ़ा है, ये कौन सी है, सबसे नंबर वन पे आती है हमारी उत्तर प्रदेश या दैट इज यूपी। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये आती है वेस्ट बंगाल। अभी देखते हैं सेट टू में इसके आंसर कैसे दिए हैं। सबसे पहले जो है लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल, ये किस में है, राइस में। उसके बाद उत्तर प्रदेश किस में है, बीट में है। केरला किस में है, केरला इज फेमस फॉर कोकोआ प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। एंड नेक्स्ट इज बिहार, बिहार किस में है, लीची में। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ए बी सी डी एंड ऑर्डर ऑफ मैचिंग इज 4-3-2-1, यानी कि फर्स्ट के साथ बिहार, उसके बाद में सेकंड के साथ जो है बी के साथ 3, दैट इज केरला, उसके बाद में सी के साथ सेकंड, दैट इज उत्तर प्रदेश एंड डी के साथ जो है वेस्ट बंगाल। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, बी इज महाराष्ट्र, सी इज छत्तीसगढ़ एंड डी इज राजस्थान। हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज छत्तीसगढ़ इज नॉट ए टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड इन द वर्ल्ड। हेयर ऑप्शन ए इज, फ्रेंड्स हेयर
आंसर इज फोर्थ, जो इंडिया का लिनसिड की प्रोडक्शन में जो रैंक है वो क्या है, फोर है वो, ठीक है, वर्ल्ड में विश्व में जो है फोर्थ नंबर पे है लिनसिड की प्रोडक्शन में रैंक किसका, इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। हेयर ऑप्शन ए इज कर्नाटका, बी इज असम एंड सी इज तमिलनाडु, डी इज वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज असम, ठीक है, असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशन क्रॉप प्रोड्यूसेस इन इंडिया मोर देन इट्स नीड। देखो प्लांटेशन क्रॉप जो है कौन सी ऐसी है जो इंडिया में होती है, जितनी इंडिया में इसकी जो है ज़रूरत है उससे ज़्यादा होती है, दैट इज ऑप्शन ए इज टी, बी इज फूड ग्रेन्स, सी इज पेट्रोलियम एंड डी इज रबर। फ्रेंड्स हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज टी, टी क्रॉप प्रोड्यूसेस इन इंडिया मोर देन इट्स नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वारक वैली ऑफ असम इज फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप। देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है, द वारक वैली, द वारक वैली ऑफ असम इज फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप। हेयर ऑप्शन ए इज ऑयल पाम, बी इज शुगर केन, सी इज कॉफी एंड डी इज टी। हेयर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज शुगर केन। द वारक वैली ऑफ असम इज फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप, आंसर इज शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे केरला जो है टॉप में है, इनमें से जो यहाँ पे दिए गए हैं इनमें केरला टॉप पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। ऑप्शन ए इज केरला, बी इज आंध्र प्रदेश, सी इज कर्नाटका एंड डी इज तमिलनाडु। हेयर फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज केरला। केरला इज ए स्टेट विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। सो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज द क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग द वीडियोज एज पर द टॉपिक्स ऑफ गिवन इन द सिलेबस, एज पर द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। सो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम, दैट इज इलायची जो है, ग्रीन इलायची जो है हम चाय में डालते हैं। हेयर ऑप्शन ए इज कर्नाटका, बी इज ओडिशा, सी इज आंध्र प्रदेश एंड डी इज तमिलनाडु। फ्रेंड्स हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज ओडिशा। ओडिशा इज नॉट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गार्डन ऑफ स्पाइसेस जो है कौन सी स्टेट को जाना जाता है, दैट इज केरला। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, गार्डन ऑफ स्पाइसेस केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए इज कॉफी, बी इज बैम्बू, सी इज टी, डी इज गोल्ड। हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज बैम्बू। द ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द बैम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टी प्लांटेशन इज रिक्वायर्ड रेनफॉल ऑफ। द टी प्लांटेशन इज रिक्वायर्ड रेनफॉल ऑफ। हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 150 to 250 सेंटीमीटर। जो टी प्लांटेशन करते हैं हम उसको रिक्वायरमेंट होती है कितनी रेनफॉल की, 150 to 250 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो फ्रेंड्स एक आपकी सब्सक्रिप्शन ही है जो हमें पॉजिटिविटी देती है और अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गंगा डेल्टा रीजन इज सूटेबल फॉर जूट कल्टिवेशन ड्यू टू द रिच फर्टाइल। द गंगा डेल्टा रीजन इज सूटेबल फॉर जूट कल्टिवेशन ड्यू टू द रिच फर्टाइल डैश एंड फेवरेबल टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हेयर द गंगा डेल्टा रीजन इज सूटेबल फॉर जूट कल्टिवेशन ड्यू टू द रिच फर्टाइल एलुबियम सॉइल एंड फेवरेबल टेम्परेचर एंड रेनफॉल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग। हेयर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन एंड ग्रोइंग ऑफ कॉटन आर रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ 21 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। सेकेंड स्टेटमेंट इज ब्लैक सॉइल इज द आइडियल सॉइल
are the production and grown of cotton and growing of cotton. Which of the above statement oblique statements is oblique are correct about the cotton cultivation? Here option A is only 1, B is only 2, C is both 1 and 2. Friends, here option C is the right answer, that is both 1 and 2. So friends, today we have completed 20 most important questions. Friends, once again, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. So friends, thanks once again for watching this video. Prepare bell, perform bell. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye.